भोपाल में महापौर के लिए 8 प्रत्याशी और 85 वार्ड में पार्षद के लिए 398 प्रत्याशी मैदान में थे। जुलाई को भोपाल में 2160 केंद्रों पर मतदाताओं ने मतदान किया था। इस बार भोपाल में सिर्फ 50% ही मतदान हुआ है। महापौर पद के लिए भाजपा की मालती राय और कांग्रेस की विभा पटेल के बीच मुख्य मुकाबला है। 85 वार्डों में भी भाजपा कांग्रेस के मध्य सीधी टक्कर। पार्षद पद के लिए 132 निर्दलीय और आम आदमी पार्टी के लिए 60 प्रत्याशी भी मैदान में हैं। हम आपको बता दें कि पार्षद और महापौर प्रत्याशी के मतों की गिनती एक साथ ही होगी। सबसे पहले डाक मत पत्रों की गिनती की जाएगी, इसके आधे घंटे बाद ईवीएम की टेबल के आधार पर गिनती शुरू की जाएगी। महापौर के लिए कम से कम 13 और अधिकतम 24 चरण में मतगणना पूरी होगी। पार्षदों की गिनती 1-2 चरण में पूरी हो जाएगी। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।